बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय टैंक। और आपने देखा आज का ये पैकेज जो कि आज के मैच की सूरत हाल बता रहा था। पाकिस्तान तो जाहिर है इस वर्ल्ड कप में अपना सफर बहुत पहले खत्म कर चुका, लेकिन लोगों के बायसेस अभी भी बहुत ऑब्वियस है, इसलिए आज भी पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने सेमीफाइनल को बहुत ही जौक और शौक से देखा। आज सेमीफाइनल था ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की अपनी राइवलरी की भी बड़ी जबरदस्त एक हिस्ट्री है। एशेज सीरीज कौन नहीं जानता, जिसको दुनिया क्रिकेट के लाखों करोड़ों मद्दा हमेशा देखते हैं। तो आज मैच था क्रिकेट की नंबर वन टीम का बमुकाबला वर्ल्ड कप की नंबर वन टीम से। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप की नंबर वन टीम है, 5 मरतबा वर्ल्ड कप जीत चुकी है, 2 मरतबा वर्ल्ड कप के रनर अप रही है। लेकिन आज तारीख यूं रकम हुई कि वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल तक पहुंचा और आउट हो गया, सेमीफाइनल में ये मैच हार गया। आज एक यूं भी तारीख रकम हुई कि वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मरतबा अब हम एक ऐसी टीम को चैंपियन बनता हुआ देखेंगे, कोई भी जीते इंग्लैंड या न्यूजीलैंड में से, जो आज से पहले चैंपियन नहीं बनी। इंग्लैंड का कौमी खेल है क्रिकेट, इब्तदाई 3 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुए, वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुए, लेकिन इंग्लैंड 3 मरतबा फाइनल्स में भी पहुंचा, लेकिन आज तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत सका है। अब देखते हैं क्या होता है, तजिया लेते हैं माहिरीन से। लेकिन उससे पहले आज के मेहमान का तारुफ वो इसलिए भी कि उनकी खुद क्रिकेट पर भी बड़ी गहरी नजर है। और आज के मेहमान का मैं क्या तारुफ कर रहा हूँ, तकरीबन ये 30 साल सफर है इनका, ड्रामे लिखे भी, ड्रामों में काम भी किया, और ऐसे ड्रामों में काम किया कि जो आज भी अगर जिन ड्रामों का मैं नाम लूँ तो आई एम श्योर कि आप सबके जहनों में उन ड्रामों के मनाजिर आज भी महफूज है। और फिर उसके बाद सियासत में भी कदम रखा, सियासत में भी कदम रखा, फिल्म में भी काम किया, बैरून मुल्क अगर बात करें तो भारत में भी जो बहुत काम किया, एंजेलिना जूली के साथ भी काम किया, और हर चीज में इक्वली कामयाब रहे, बहुत सारे शोज होस्ट किए। मैं जाती तौर पर बड़ा मद्दा हूं इनका, हमारे आज के मेहमान जनाब साजिद हसन साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र है। आई मीन इट वुड बीन बेटर कि पाकिस्तान कम से कम फाइनल में आ जाता तो दिल अच्छा रहता है। हाय हजारों और फाइनल में दो वो टीम है जिन दोनों को हमने हराया है। ये देखिए भाई फैक्ट तो है ना, मैं इससे कोई नतीजा खास नहीं कर रहा, लेकिन ये फैक्ट तो है ना इटसेल्फ। अरे नहीं, एक तरफ तो बात इसलिए है कि हमारी जो नौयत हो गई है ज़हनी, अगर हार जाए तो बुकी से हार गए, जी जी जीत जाए तो हर तरह से हम ना किसी ना किसी खुश नहीं है, साजिश देखते हैं। हाँ, ये अल्लाह आपकी ज़बान से। तो ये साजिश हुई, ये साजिश का माइंडसेट क्यों है हमारे, ये इंडिया के खिलाफ साजिश हुई। हाँ। और इंडिया ने जो साजिश हमारे खिलाफ की थी, हाँ। वो उन्हीं, मगर जो सीरियस बात है, हाँ। कि बहुत बुरा दिन था जिस दिन इंडिया ने, अगर ये डिलिबरेटली अगर इंग्लैंड के, ठीक है, जो के हमारे बासित ने और बहुत सारे ऐसे बहुत दूरबीन लोगों ने पहले से प्रिडिक्ट किया, सही है, लेकिन अब ये जो मैच होगा इतना मजेदार होगा कि आपकी सोच है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, आपका फेवरेट कौन है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में? भाई देखिए, मैं जीतने वाली टीम के साथ होता हूं, इसलिए इंग्लैंड है। ओके। हमारे साथ आज भी हमने जहमत दिए नजीब भाई मौजूद है, बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं नजीब भाई को। नजीब भाई की भी फेवरेट टीम जो है वो इंग्लैंड है, तो लुत्फ लिया आपने आज की जीत का, नजर आ रहा है वो तो। सर इंग्लैंड पे कॉन्फिडेंस चेक करें, 1 महीने पहले से सूट सिलवाया था। और आपने शुरू से कहा था कि मेरे ख्याल में तो इंग्लैंड जो है, तो आपको लग रहा है फाइनली वो मोमेंट आ गया इंग्लैंड के लिए कि जब उसने क्रिकेट वर्ल्ड कप का चैंपियन बन जाना है। वन स्टेप अवे, और फाइनल ऑलवेज ट्रिकी होता है, बेहतरीन चांस की जिंदगी, इट्स नाउ और नेवर। सही है, अभी नहीं तो कभी नहीं, नहीं मिली कभी भी नहीं। व्हाट अबाउट टुडेज मैच? आज तो मैं तो एज ए लेमैन कह रहा हूं जिसको क्रिकेट की इन डेप्थ एनालिसिस नहीं पता, कि जब ऑस्ट्रेलिया कम स्कोर पे आउट हुआ। क्या बात कर रहे हैं आप, फिरदौस आशिक एवान को पता है यार आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो बहसियत क्रिकेट तज़ियाकार पीटीवी पर बैठ गई हूँ, आप तो ऐसे कह रहे हैं। बैठ जाएंगे, ऐसा ही है, हो चुका है, हो चुका है, बैठी। अच्छा, जिस तरह से वो माशाल्लाह हर रोज टीवी पर नजर आ रही हैं, जी जी, मुझे उम्मीद है कि उनका अपना चैनल खुलने वाला हो सकता है, पीटीवी का नाम दे दिया जाए उसको, एक बहुत सारे अब चैनल खुल गए उनमें से एक दे दिया जाए। लेकिन वैसे आपको बता दूं, बाबर आवान, खैर मैं 11th मोड पर आ गया हूं अगले 10 सेकंड के लिए, बाबर आवान पर से नैप के केसेस खत्म हो गए, इसलिए वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल, ये अल्लाह, इनको किसी को पता है बाबर एवान कौन है?
आपको पता है, सिर्फ आपको पता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता। और ना किसी को शौक है उनके बारे में जानने का। तो वजीर इत्तला बनने के लिए लोगों का जानना थोड़ी जरूरी है किसी को भाई, कमाल है ये क्या बात है। तो खैर भाई, तो आज जब ऑस्ट्रेलिया इतने कम रन पर आउट हुआ तो हमें ऐसा लगा एक लम्हे को कि शायद ये न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया की दास्तान दोहराई जा रही हो, कि जब पहले बैटिंग करने वाली टीम बहुत कम स्कोर पर आउट हो गई लेकिन दूसरी वाली टीम उससे भी कम स्कोर पर आउट हो गई। लेकिन आज तो जब इंग्लैंड बैटिंग करने आया तो लगा ना ये वो पिच है ना ये वो ग्राउंड है, उतना ही स्कोर इतनी आसानी से मुकम्मल किया। देखिए वही जो हम बार बार बात कर रहे थे, बासित भाई भी, मैं भी, प्रोग्राम में हम बार बार ये डिस्कस कर रहे थे कि ये बहुत ज्यादा अपने टॉप ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं। जब फिंच और वार्नर नहीं चले तो उनका टोटल ज्यादा नहीं बना आज, जबकि ये इंडिया वाला एक्शन रिप्ले हुआ ये भी कि विराट और ये जी बिल्कुल वैसे ही शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा पे इतना डिपेंड कर रहे थे, विराट इतना ज्यादा हमेशा उनके काम आते हैं ऐसी सिचुएशन में, सही है, उसके बाद वो नहीं हो पाया। आज भी हमने देखा कि वार्नर और फिंच के आउट होने के बाद, ऑल्दो स्मिथ बहुत खराब फॉर्म में थे, वो जब से कमबैक हुआ है उनका वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, लेकिन आज उन्होंने अच्छा खेला बट इट वाज नॉट इनफ। राइट बासित भाई, अब इस टूर्नामेंट में जाहिर है टूर्नामेंट एम्पायरिंग भी जेरे बहस रहती है। आज कुछ बड़े गैर मामूली मनाजिर भी उस वक्त देखने में आए कि जब एक खिलाड़ी आउट हुए वो एम्पायर से बाकायदा बहुत देर तक उलझते नजर आए। अगर वो क्लिप भी देखते हो फिर मैं आपसे एम्पायरिंग के हवाले से भी आपका कॉमेंट जानना चाहता हूँ। दिखाई अमूमन बॉलर जो है अपनी वाइट बॉल बचाने के लिए जाली अपील करता है। हाँ, सही है। ये वो अपील थी और एम्पायर ने आउट दे दिया जिसको वर्ल्ड नंबर वन का एजाज मिला हुआ है। धर्मासीना थे इस टूर्नामेंट, सॉरी प्लीज बासित, मगर उस डीविएट की ना तो उसको लगा हो जाती, ह्यूमन एरर है, लेकिन क्योंकि वो ले चुका था पहले एक रिव्यू, इस वजह से उनके पास था नहीं, इसलिए मारा गया बेचारा। इसमें एक चीज और भी है कि इस टूर्नामेंट में एम्पायरिंग बहुत खराब हुई है, क्योंकि कल जो विराट कोहली का आउट दिया है वो एम्पायर्स कॉल पे दिया है, हालांकि इतना ऊपर लगा था वहां पे उसको नॉट आउट देना चाहिए था। तो ये नहीं कि इंग्लैंड का फेवर हो रहा है, किसी का भी फेवर नहीं हो रहा, एम्पायरिंग नाकिस हो रही है। ये बड़े लोगों के जहन में वो क्या भाई, ये जो एम्पायर्स की उल्टी सीधी कभी कभी जान के नहीं गलतियां हो जाती हैं, ये भी तो हिस्सा है क्रिकेट का यार। गलती हो जाती है, बंदा पुतले का गलता है, गलती का पुतला है भाई। साजिद भाई इसमें ये है ना कि थर्ड एम्पायर जब से आया है तो एरर कम होना शुरू हो गए थे, तो टोटल उस पे डिपेंड करो फिर। तो ये रिव्यू जो है, रिव्यू जो एक की जगह मेरे ख्याल दो कर देने चाहिए वनडे, ये बात। लेकिन अब जो एम्पायर कर दो, लेकिन अब जो एम्पायर्स का एलीट पैनल होता है, अगर आप इस तरह की गलतियां करें तो आप उससे बाहर हो सकते हैं। ये भी आप डिलीवरी देखना पड़ेगा, व्हाई वुड धर्मा से नहीं, बट डिलीवरी तो कोई भी नहीं कह रहा, कोई भी नहीं कह रहा, लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप गलती हुई डिलीवरी तो कोई नहीं कह रहा, कोर्स ये तो एक ऐसी गलती है जिसपे आपकी नौकरी जानी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मतलब जेसन रॉय इतना जबरदस्त खेल रहा है, ये इस तरह की गलतियों से तो आप पीछे चले जाएंगे, आप नंबर वन एम्पायर थोड़ी रहेंगे। ये एक रिव्यू ले लिया तो हो गया ना काम खराब, रोया ना जाते ये इस खिलाड़ी पर बासित भाई कुछ हो जाएगा जुर्माना आपके ख्याल में एम्पायर पे, एम्पायर से जो लॉ है उसके हिसाब से तो होगा, होगा होना भी चाहिए। कोहली पर भी हो चुका है इससे पहले, वो अलीफदार से उलझे थे ना, नहीं ये बहुत उलझा, इसको यकीन नहीं आया, ठीक उलझा है, इसने कहा नहीं दूर से कही है जैसे मोहल्ले में खेल रहा हूँ मैं और बासित की तरह। एम्पायर को किस टाइम, मुझे ऐसा लगा कि उसने अपना अपील के बाद माइंड चेंज, अगर हम एक दफा फिर दिखा सके एम्पायर का रिएक्शन बड़ा, ही टुक हिज टाइम लेग एम्पायर का, हाँ, और उसके बाद ये तो लग रहा था कि ये भी धर्मासिरा को मारने वाला है, ये मुझे बहुत खतरनाक लम्हा लग रहा था। ये वाली बॉल साजिद भाई के लिए ट्राई बॉल होती थी। मुझे तो लगा लेग एम्पायर ने आके कहा कल दो बार ये ले लेना तुम, वसीम भाई आपने जो इंट्रो कराया ना साजिद भाई का, जी जी, कि इतने 30 साल से हो, हम इन्हें अपने टाइम पे पता क्या कहते थे, क्या ये पाकिस्तान के नसीरुद्दीन शाह और नाना पाटेकर, नेचुरल, आपने उनको बहुत इज्जत दी थी, इतने इज्जतदार हैं। उन्होंने इनको देखकर काम सीखा है, नहीं ऐसा भी ना कर, अब देख झूठ बोलना रहे यार, किसी ने किसी को नहीं सीखा होता, हर आदमी की अपनी जगह है, अब मानो तू अपनी जगह है ना यार, तेरी जगह कोई और हो नहीं सकता, ये बात है। सखावत भाई वैसे बहुत कम बोलते हैं लेकिन एक एक जुमला का तोला हुआ। चलो जनाब, अच्छा तनवीर भाई, सखी है, सखी। भारत के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही है ना कि अब भारत को जनाब वो न्यू चोकर और पता नहीं, हाँ तनवीर भाई से ही कह रहा हूँ, क्या इनसे भी पूछ लो, तो मैंने ये तो कहा तनवीर भाई भारत के, यार बात मैंने क्या बाद में मारेगा, बहुत गुस्से वाला आदमी भाई, नहीं ये यहाँ पे मार सकते हैं, मैं तुझे बता रहा हूँ क्योंकि हमें कहेगा हम साजिश करके आए इसके खिलाफ, अच्छा, और इसको मौका नहीं दिया क्योंकि ये महाजिर है यार, क्या बात कर रहा है। चलो कोई ऐसी एथनिसिटी वाली बात नहीं होगी, जरा इंडियन टीम के हवाले से एक पैकेज दिखाएं,
चोकर्स का जो कहा जा रहा है उनको, कितना सही है कितना गलत, ये तनवीर भाई से पूछते हैं हम। देखा तनवीर भाई, एक जमाना था मैं याद है कि साउथ अफ्रीका को सब चोकर्स कहते थे, क्या ये भारत वाकई नए चोकर्स हो रहे हैं क्या क्रिकेट के, जो इतने अहम मराइल पे आके हारना शुरू हो गए? देखिए साउथ अफ्रीका तो आई थिंक क्रिकेट की वजह से बोलते थे, लेकिन मुझे जो लगता है ये ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं इंडियन जो, बिकॉज ऑफ आईपीएल। ओके, मेरी नजर में आईपीएल है। देखिए उसकी वजह ये है क्योंकि इनका आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, सही है। उसके बाद स्पॉन्सर्स, दुनिया के टॉप प्लेयर्स वहाँ पे आते हैं, जो एक्स क्रिकेटर्स भी हैं जो खेल रहे हैं वो सब आते हैं, सही है। उनके बीच में जब इनके प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, वो तो एक सिटीज की टीमें होती है, उनमें रह के जब वो परफॉर्म करते हैं और उनको जो एक वो नाम बनता है उन प्लेयर्स का, वो वहां की हद तक तो ठीक है, ठीक है। जब आप इनकी चाल चलन देखिएगा जब ये इंडिया की टीम के अंदर आते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होती है, अच्छी चीज है, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी चीज है, सही है। लेकिन वो जो चीज लेके आते हैं आईपीएल की, वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होती है। अब चैंपियन ट्रॉफी जब हारा इंडिया पाकिस्तान से, उसमें भी सब ये कह रहे थे कि इंडिया आराम से हरा देगा पाकिस्तान को, ओवर ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से पाकिस्तान इतना अच्छा परफॉर्म करता चला गया कि वो उसको पकड़ नहीं सके। और जो न्यूजीलैंड से मैच आ रहा है अभी वर्ल्ड कप में, ये आई थिंक जैसा करोगे वैसा भरोगे। और मैं तो एक चीज बोलता हूँ सीधी सीधी कि अगर इंग्लैंड की जो टीम आज फाइनल में पहुंचती है, पहुंची है, शायद इनकी भी कोई हेल्प है जिसकी वजह से पहुंची, अदरवाइज इंग्लैंड आज यहाँ पे नहीं होती। जैसा करोगे दूसरों के साथ वैसा होगा। अब ये सारा मामला लेकर भारत में क्या तबसरे हैं, क्योंकि भारत की टीम भी अब जाहिर है वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, जरा एक नजर देखते हैं। अरे वर्ल्ड कप में एक बार फिर पाकिस्तान ने, इवन भारत ने भी, ये लोगों की जो है वो हिस्से मिजाह, ये भी बड़ा खुशगवार पहलू था पूरे वर्ल्ड कप का, अपने हर जीत और हर हार पे जिस तरह के कमेंट्स देखे, इट इज वन ऑफ द क्लासिक। मतलब ऐसे हमारा बनता नहीं है हम उनसे हारे भी है हम सेमीफाइनल में नहीं भी पहुंचे लेकिन इसमें एक बड़ी अच्छी लाइन थी वो कि हम जीत के बाहर हुए हैं, वो हार के बाहर हुए हैं। तो हमारा जो मोमेंटम बढ़ा था वो बड़ा खूबसूरत तरीके से आगे बना, और वो यहाँ जिस तरह से हारे, उन्होंने अपनी मर्जी से चारों में से सबसे वीक अपोनेंट के साथ खेलना पसंद और किया, हार गए फिर नंबर वन स्पॉट लिया और फोर के साथ खेले और उससे हार गए, तो अनफॉर्चुनेट तो हुआ है उनके साथ। धनवीर भाई, वसीम भाई, लोग ये समझते हैं कि वीक टीम थी न्यूजीलैंड की, हाँ, लेकिन मेरी नजर में सबसे टॉप टीम थी बॉलिंग अगर देखें उनकी, आपने भी देखा था न्यूजीलैंड के, न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग है सही है, वो सबसे ज्यादा तंग करने वाली इस ऐसी पिचेस के ऊपर। और आप देखेंगे कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स का जितना बॉल नया बॉल स्विंग हुआ, किसी भी टीम के बॉलर्स का बॉल स्विंग नहीं हुआ, सही है, क्योंकि उनकी जो कंडीशंस हैं वहां पे जो नया बॉल स्विंग होता है वो उनको इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है नए बॉल की, वो इसी वजह से उन्होंने मुश्किल ऐसा नहीं कि बहुत हल्की टीम से हार गई, नहीं। और भाई मैं उन लोगों को बोल दूं, यार मुझे बहुत से लोगों ने बोला है, क्या बोला है बताएं, कि न्यूजीलैंड की ये अपसेट हो गया बहुत बड़ा, न्यूजीलैंड ने इंडिया को जो हराया है, हाँ। भाई ये अपसेट नहीं हुआ है, न्यूजीलैंड की टीम टॉप टीम्स में आती है, ये अपसेट नहीं हुआ। ऑब्वियसली इट्स नॉट एन अपसेट, अपसेट तो कोई भी नहीं कह सकता इसको, क्योंकि जाहिर है वो भी वहां पहुंचे हैं, लेकिन वो सेमीफाइनल में पहुंचे हैं बड़ी टीमों से हार के, सही है। उन्होंने बड़ी टीमों से नहीं जीता हुआ था और फिर यहाँ जाके उन्होंने इंडिया जैसी टीम को हराया ना उन्होंने। देखिए आप लोग इसको भी कंसिडर करें, मैं तो बहुत ही एक छोटा सा जहन, वो क्या, एक तो ये कि प्लेयर ऑन प्लेयर इंडिया वाज फार अहेड, जितनी डेप्थ 10वें नंबर तक, नेम इट, वही भुवनेश्वर ने भी 100 किए हुए फर्स्ट क्लास में यार, अपने वो कमाल, सबको पता था कि बहुत बड़ी साइड है। आका पाकिस्तान ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है इंग्लैंड में इंडिया से ज्यादा, चलो ये बात स्टैटिस्टिकली अगर आप बैटिंग साइड भी माने, मगर ये बात भी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कह दी तनवीर, यही मैं आपको निशानदेही करने वाला हूँ कि आखिर में जब भी इंडिया पाकिस्तान की टीमें बाहर जाती है ना, स्पेशली लंदन, क्योंकि हमारी टीमें सीम की इतनी आदी नहीं होती, वो होते हैं, सही है, तो एक ऑब्वियस तो इनके पास एडवांटेज है ना, और होम का एडवांटेज से तो बड़ा दुनिया में कोई एडवांटेज होता नहीं है, सही है। उसका वो फायदा उठा के पहुंच गए, आज ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ प्रेशर में मार दिया इन्होंने, क्योंकि होम साइड थी, पूरा इंग्लैंड बैठा हुआ गाना गा रहा है कि हार जा हार जा, हार गए। राइट जनाब, सो फाइनली क्रिकेट की डिबेट को कंक्लूड करते हैं। वकार यूनुस साहब ने एक ट्वीट किया और आई थिंक इसका भी कॉन्टेक्स्ट वही है, सच अ ब्रूटल गेम दिस क्रिकेट,
and a great leveler bites you back when you are expecting the least. I learned a great lesson today. Never abuse the game. तो वकार भाई की ये राय बड़ी not coming slow. Like earlier also he tweeted. जब इंडिया हार जाए. ICC में problem होगी मैंने. मैं वैसे ये सोच रहा था कि ये problematic नहीं हो सकता वकार भाई के लिए. वहाँ बैठ के repeatedly इस राय का इजहार कर रहे हैं. एक टीम को टारगेट कर रहे हैं. बिटवीन द लाइन्स तो यही कह रहे हैं ना कि एक टीम जान कर हारी है एक और टीम को आउट करने के लिए. तो इट कैन बी बड़ी उनका पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने कुछ इस तरह से तो नहीं कहा. सखावत बोल दे यार. विकी आया विकी आईसीसी के पैनल में है. आई डोंट नो हार जीत होती रहती है भाईजान. घबराने की जरूरत ही नहीं है. कमेंट्री की हां क्या कमेंट्री तो कर रहे हैं. पाकिस्तान में आईसीसी के पैनल में हो ना हो आप जो कमेंट्री टीम में होते हैं वो आईसीसी वसीम भाई जब दो पहलवान हर खेलते हैं दो पहलवान कुश्ती करते हैं उसमें से हमने टहना ही होता है किसी एक ने टहना मतलब हार जीत होती रहती है. मैं खुद हार गया हूँ भाईजान. मैच पर पैसे लगाए मैं हार गया हूँ. हाँ मैं अरे जुआ खेलता है तू. नहीं सर मैंने वो गलती से सर नए पाकिस्तान में जुए की गुंजाइश बनती है साजिद भाई. नहीं सर मैं झलकियों पे बात सुने के लिए जो हिदायतें आई हैं इसी वजह से कि इंसान बड़ा कमीना है. साजिद भाई आल्सो नॉट कमिंग स्लो. सर मैंने मैच पे नहीं लगाए थे पैसे. किस पे लगाए थे? मैंने झलकियों पे लगाए थे हाईलाइट पे. जी जी और वैसे भी वसीम भाई आपको पता कि क्रिकेट का सीजन खत्म हो रहा है. मैं कोई ना कोई कारोबार करने मैंने कोई कारोबार करने लगा हूँ. बिजनेस करने लगा हूँ. मैंने क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कारोबार कर लूँ. अच्छा मैं जलेबियां बनाने का कारोबार शुरू कर रहा हूँ. क्योंकि अब क्रिकेट की बात खत्म हो गई था आगे बात करने को. हाँ मैंने कहा काम कर ले. कारोबार तो वैसे बाकी लोगों के बड़े खत्म हो रहे हैं. हाँ आपका तो चलता ही रहेगा. नहीं क्रिकेट खत्म हो रहा है तो अब ये का चलता रहेगा. कोई और सीजन शुरू हो जाएगा. अभी सीजन शुरू होगा. रमजान आएगा बकरीद में. अभी 11 बार शुरू हो जाएगा वो चलता रहेगा. रमजान ट्रांसमिशन आ जाएगी. आप तो बड़ी ईद पे वसीम भाई तो बड़ी ईद पे लेले भी बेच लेते हैं. सखावत तू क्या चाहता है इनकी जगह फिरदौस आशिकवान को लाना चाहिए. फिर कोई भी नहीं उस जगह पे लग सकेगा जिधर ये रहने दे. इसको बहुत अच्छा लगता है. ये बार बार उनका नाम ले खास राज है इस बात ये बार बार उनका नाम ले रहे हैं कि आगे चल के वो क्रिकेट में आएंगी. क्या है वो क्रिकेट पे क्या बंदा बात करेगा जिसको अपनी डॉक्टरी का नहीं पता. और भाई ये कारोबार छोड़कर फिर मैंने कहा एक नेकी का काम कर लूं. वो क्या मैंने सड़क के दूसरी पार देखा एक अम्मा बूढ़ी अम्मा खड़ी हुई थी. मैंने कहा इसने सड़क क्रॉस करनी मैं उसको सड़क पार कराई. खींच के अम्मा को इस पार लेकर आया. वेरी गुड. जब मैं इधर लेके आया उस अम्मा ने मुझे वो मारा मैं बता नहीं सकता. क्यों मारा? कहती तेरा बेड़ा तर जाए. मैं इतनी मुश्किल से उधर गई थी तू खींच के फिर इधर ले आया. अच्छा वो नाबीना थी उन्होंने सड़क पार कर ली थी. हाँ, भाई मैं आपके साथ नाराज हूँ. चलो ये अब रहना अपनी बात पे कायम. नहीं अजरा तफन्नन बात की. तफन्नन अजराहे तफन्नन वो बात की है. हाँ, देखिए इतना बड़ा जेता साफी उर्फ रफड़ी आपके सामने बैठा है और आपके पास जो कूड़ा करकट होता है वो आप मेरे साथ बैठा देते हैं. अरे ये भारत वाले साहब फिर आ गए एक बार फिर. जी 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 ये वही है ना जो बातचीत वगैरह थे. अगर मैं सारा नौकरी सारा कुछ छोड़ के आए हो. सारा कुछ छोड़ के आए बिल्कुल. और मैं पूरी चार्जशीट लेके आया हूँ आपके खिलाफ. हमारे खिलाफ? जी बिल्कुल. इंडिया की टीम ने इंडिया को इतना तंग नहीं किया जितना आपके हर लम्हा पुरजोश ने इंडिया को तंग किया है. मैं बता रहा हूँ मैं आपको एक एक चीज व्यक्तिगत रूप में बताऊंगा कि यूट्यूब पे जितने भी आपकी एपिसोड डली है उसके नीचे भारत ने इतना कुछ कहा है. हाँ। फिर भी आप मतलब आप पीछा नहीं छोड़े भाई. देखे इसी सेट पे खड़े रह के जब भारतीय टीम जीती है हमने मुबारकबाद दी है तालियां बजवाई बिल्कुल दी है. जब जब रोहित शर्मा का एक एक रिकॉर्ड बताकर तालियां बजवाई है. विराट कोहली की एक एक बात बताकर तालियां. अब जो इख्तलाफ है वो तो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है ना. हमने हमेशा कहा है कि भारत में हमारे व्यूअर्स की बड़ी तादाद है और बड़ा एहतराम है उनके लिए. वसीम भी कह रहा हूँ. वसीम भाई बात यह है कि भारत देश बड़ा है उसका दिल छोटा है. पाकिस्तान देश छोटा है लेकिन उसका दिल बड़ा है. तो आप देखें वैसे मैं इंतजार करूंगा इस बात का. वैसे वाकई कि हमने तो इस शो में ये सब कुछ किया जो मैंने भी बताया और लोगों ने देखा. मैं इंतजार करूंगा कभी हमारी टीम अच्छा खेले और भारत के किसी शो में भी कोई एंकर ऐसे खड़े रहकर पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए तालियां बजवाए अपना दिल इतना बड़ा करे. नहीं होगा. देखें इसका ये
सुनील गावस्कर ने करा हुआ है वो देखा जी। मैं तो क्रिकेट की बात नहीं है, क्रिकेट सेंस में नहीं, कपिल होस्ट करे सुनील गांगुली ने भी कहा यार क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तुम जाति कर रहे हो ना सबको तुम भाई एप्पल का। और मैंने कहा कोई होस्ट किसी प्रोग्राम में ये करे, ये काय है ये बड़ा मुझ इसका मतलब है कि आप लोगों ने हमको मान लिया है। नहीं नहीं मान तो लिया है, किसी होस्ट का नाम मत लो, अर्नब का नाम लो, अर्नब का। अरे वो मेरे टीचर हैं। अर्नब जिस दिन ये बात करेगा हम साजिद साहब वो मेरे टीचर हैं, अर्नब गोस्वामी मेरे टीचर हैं, मैंने उनसे जर्नलिज्म सीखा है, आपने कैसे कह सकते हैं उनसे क्या सीखा है जर्नलिज्म। एदे नालो साडे कोलो किसे कोलो खराब दा काम सीख लेंदा ना वो तेरे काम आ जाना। चले मैं आपसे मजीद भी नहीं, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, ब्रेक लेना, छोड़ दे इंडिया को, छोड़ दे इंडिया के पीछे पड़ना आप छोड़ दे, मैं आपके चरणों को हाथ लगा दूं, मैं आपके आज ब्रेक के बाद ब्रेक लेने वाले। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय टैंग। हमारे आज के मेहमान जनाब साजिद हसन साहब, एक जिंदा दिल इंसान। सर मासूमाना मैच के आगाज की इजाजत चाहता हूं, जान की अमान पाते हुए। जान की आपको अमान है, दी गई अमान, जो मर्जी गए। क्या कहने हैं, बाउंसर से आगाज करेंगे आका। करें जी, हाँ जी। मिजाज बखैर, तबीयत ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। वो लोग पूछते हैं ना बाल बच्चे खैरियत से हैं, मैं आपसे बच्चों का नहीं पूछ, बाल तो नहीं खैरियत से, पर बच्चा खैरियत से। बाल का पूछ क्या हो गया, वो आप एयर ट्रांसप्लांट करवाने गए और फिर वो आपने एक वीडियो डाल दी, इसको देख के सब खौफ में आ गए, साहिद सर ने कहा मेरा ये हो गया है। और अरे देखिए मुझे पता था पाकिस्तान दुनिया की हालिया तारीख में किसी का सर इतना खतरनाक नहीं होगा, उसको देख के लोग इतना डर गए, क्या हुआ था ये गलत आदमी के पास। देखिए अब एक तो मुझे बड़ा खास है आपसे कि ये जो आप बातें कभी आज से एक साल पहले जब मैं मौत के आलम में था, बाकी ये अगर आपको सीरियस? थोड़ा सा भी एहसास होता, क्योंकि आप बिल्कुल बेहिस हैं। अब आप मुझे जिल्लत कर रहे हैं एक साल के बाद, तो मैं थप्पड़ भी मारना चाहता हूँ। रुपया नहीं दिया तूने मुझे, तूने मुझे एक दफा फोन नहीं किया कमीने। किस किस्म का तू एंकर है, पाकिस्तान को तू बचाने निकला है, फनकार मर रहा है, एक दफा तू आया, अब क्या पूछ रहा है, अब तो मेरी खाल भी उतर गई। आप ना पूछ रहे हैं इसके बारे में, एक किसी ने नहीं पूछा, एक आदमी आया पूरे पाकिस्तान वो में, कौन? आसिफ अली जरदारी यार। फोन आया उनका खुद है। और उसके बाद जो सेकंड बंदा आया, एक मिनट रुक जाए ना, एक तो ये कि मेरा आपका जो जाती ताल्लुक है लोगों उसका, उसका कोई तो ताल्लुक नहीं है, आज मुझे कोई ताल्लुक नहीं, याद दिलाने लगा। तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ इंटरव्यू से होता है, कुछ याद दिलाने लगा। मेरा भी ऐसा ही रहा है। अच्छा, जब तक इंटरव्यू में मुझे सही होते थे लोग मेरे लिए बड़े अच्छे थे। अच्छा, जब वो गए तो फारे। अच्छा, आपने दुख का इजहार कर रहे हैं? नहीं, हकीकत आपको दुख लग रहा होगा, मैं दुख का इजहार मैं सिर्फ अपनी बीवी से करता हूँ, वो भी नाराज हो जाती कभी नहीं वैसे। लेकिन ऑन अ सीरियस और साजिद भाई, एक तो दो बात है, पहले सीरियस था भाई। अच्छा, देखिए आपको मैं बताऊँ, ये जो मैंने रोका, अब गुजारिश तो कर रहे थे, गुजारिश तो कर रहे एक आदमी फिर मेरी तरह का हो गया, अभी आपको पता नहीं है, उसी शख्स ने एक और आदमी को ये कर दिया, रोक नहीं सकता। आपका निजाम गलत चीजों को नहीं रोक पाता, ये अलमिया है। अच्छा, अब दो गुजारिश है, फिर अगला सवाल। आप भूल रहे हैं मेरी आपसे आज से 8 से 10 माह पहले एन जेंट्स में मुलाकात हुई है, तफसीली बातचीत हुई है, जिसमें हमने इस पे भी हैड अ डिस्कशन। नहीं, वो तो दूसरी बार कटवाने आया, दूसरी बार यार आपसे बकवास ना करना, फैक्चुअलिंग करेक्ट हो गया। दूसरी बार नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ये फील किया है कि शायद इंडस्ट्री के लोगों से जिनके साथ आपको उठना बैठना है, इंडस्ट्री आपको ग्रज है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे नहीं है, देखिए हमारी इंडस्ट्री का एक दूसरे इस मिजाज में मुझे ये संजीदापन छुपा हुआ नजर आया है। नहीं, ग्रुप्स हैं, एक दूसरे का कुछ कुछ ख्याल करते हैं, मगर सारी इंडस्ट्री एक नहीं है। आगे बढ़ते, आपने जरदारी साहब की बात की, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, इसकी वजह? मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता था और मैं पीटीआई के साथ बहुत अरसे से था, इमरान खान के लिए मैं कम अज कम 27-28 साल। फिर पीटीआई छोड़कर आपने पीपल्स पार्टी के इंतखाब छोड़ी वोड़ी नहीं, देखिए ज्वाइन ही नहीं की ना तरीके से। अभी आपने कहा पीटीआई के साथ बहुत सारा होने लगा, तो जब वक्त आया और मैं पूछता रहा कि मेरा क्या सिलसिला होगा, वो टाइम ही नहीं मिला उन्हें। इस दौरान ये मेरी तीमारदारी करने आए और उन्होंने मुझे कहा अगर आप आए, राणा गुल थी वो आए, उन्होंने कहा साहिद भाई, मैंने कहा मुझे बड़े सियासत में शौक हो गया,
सारी जिंदगी लोगों के अहकामात के थरे रहे हैं। साजन भाई, सियासत तो एक नजरिए पे ज्वाइन की जाती है ना, तो आइडियोलॉजी तो बहुत कमाल है। नहीं तो आपने तीमारदारी पे जो आया उसके अपनी नजरिया कॉम्प्रोमाइज कर दिया। देखिए नजरिया इमरान खान के करीब था, तीमारदारी को जरदारी आ गया। चलो जी, आज से मैं आपकी पार्टी में। देखिए नजरिया इमरान खान के उस वक्त तक करीब था जब तक उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं शुरू किया। कॉम्प्रोमाइज आपके ख्याल में अभी करना शुरू किया होगा ना? नहीं, बहुत पहले, यू टर्न बहुत पहले। आपने अभी कहा, रिकॉर्ड है, टीवी पर चला कि मैं तीमारदारी के लिए आया जरदारी साहब मेरे पार्टी ज्वाइन कर। एक मिनट, तीमारदारी पर नजरिया कॉम्प्रोमाइज कर दिया? नहीं, नजरिया क्या ही नहीं होता, नजरिया पाकिस्तान है। आपसे अगर मैं सवाल पूछूं, आपके का भी एक नजरिया है, आपसे मैं पूछ लेता हूं। पहले मैं एक सवाल, फिर उसके बाद। अरे आप मुझे एक बात का जवाब तो दीजिए। पहले एक आप दे दे, फिर उसके बाद इसी से रहे, फिर उसके बाद मैं खामोश हो जाऊं। दूसरी बात यह कि आपने कहा कि मैं पीटीआई से की तरफ इंक्लाइंड था, मैंने तो पूछा मेरा क्या सिलसिला। इसका मतलब यह है कि मुझे एमपीए एमएनए का टिकट दोगे तो तुम्हारी पार्टी में आऊंगा, अगर मेरा कोई सिलसिला नहीं है तो फिर नहीं आऊंगा पार्टी। तो यानी आवाम की खिदमत मशरूत है टिकट से? देखिए मैं आपसे अर्ज करूं। जी सर, मैं नाज़ाबाद का रहने वाला रहा, मुझे वहीं से पढ़ाई मिली, मेरे सारा जितना भी बचपना जवानी गुजरी लाहौर और नाज़ाबाद में गुजरी, मुझे इंतहाई मोहब्बत है उस जगह से। ठीक है, मैं कभी ना कभी वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहता था जिंदगी में, ख्वाहिश। लेकिन वहाँ के लोगों ने नहीं चाहा कि आप उनके रिप्रेजेंटेटिव। अभी नहीं कहा, बाद में कह देंगे। आप इंतखाबी नतीजे के मुताबिक आठवें आ जाएंगे आज, मगर 7,000 मेरे लिए 4 वोट भी बहुत है। लेकिन एक वोट भी कई दफा बहुत होता है। लेकिन जीतने एक आदमी आपके लिए बाहर निकले, आपको वोट दे 7,000 लोग। लेकिन आपके मुखालिफिन के लिए 90,000 जो पहले नंबर पर आया वो नाम पे दिए गए, दूसरे नंबर पर जो आया उसको 45,000। देखिए वक्त बताएगा कि कौन सही था या कौन गलत। मैंने नजरिए इनके अच्छे देखे तभी चला गया। आसिफ जरदारी साहब आपके ख्याल में फाइनेंशियली करप्ट है? ये जवाब उनके वकील दे सकते हैं या वो खुद दे सकते हैं। अरे उनके नजरिए पे चलने वाला, उनकी तीमारदारी पर खुश होने वाला, जरदारी साहब के नजरिए पे। आपके ख्याल से पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के नजरिए पे चलती है? आप बहुत जी, मेरी तो यही राय है। मेरी राय आपकी गलत है ना, आपके ख्याल राय तो हर एक की है। जी बिल्कुल, तो मेरी है। लेकिन हकीकत ये है, पीपल्स पार्टी किसके नजरिए पे चलती है? किसके नजरिए पे चलती? जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो शहीद, बेनजीर साहब के नजरिए को लेकर आगे चल रहे हैं आपके ख्याल? उनके उनके पास चॉइस क्या है? वो खुद तो लीडर कभी नहीं बने बेचारे, ना उन्होंने नजरिए बदले, उन्होंने आपको ऑटोनॉमी दी। अब मेरी बात सुनो, बीबी भी जिंदा होती तो वो सब कर रही होती तो जरदारी साहब ने किया? ये तो जिंदा होती तो होता ना, आप कह रहे हैं उन्हीं के नजरिए पे चले। बिल्कुल ठीक है, तो फाइनेंशियली करप्ट आपके ख्याल में है या नहीं? देखिए अगर अदालतें कहेंगी तो मैं मान लूंगा। अभी जेल में क्यों है वो? बहुत सारी चीजें जेल में, मैं क्या क्या कह सकता हूँ। जेआईटी रिपोर्ट पढ़ने का इत्तेफाक हुआ हमेशा जो जरदारी साहब के खिलाफ जो बनी, उसको देख के आपकी क्या राय बनी? 200 साल की जेल होनी चाहिए जरदारी साहब को। तो फिर ठीक है, अगर वो सही है तो। तो अगर जेआईटी सही है तो फिर जरदारी साहब को जेल में सही होगा? अगर जेआईटी सही है तो। आपके ख्याल में सही है? मुझे नहीं पता, राय क्या है आपकी? मैं अपनी राय आपकी तरह नहीं देना चाहता। जेआईटी तो आपकी, अपने लीडर के बारे में भी आप ये नहीं कह सकते मेरा लीडर कि मेरा लीडर करप्ट नहीं है? आप डंगे की चोट पे गए कि मेरा लीडर करप्ट नहीं है वसीम मदानी। अरे भाई लीडर से क्या मुराद है? आपके लीडर गलत भी हो सकते हैं ना, तो आपके लीडर सही है? अगर आपके आप ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने शुरू की थी, मैं तो पूछ रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं जरदारी साहब ने शुरू की थी क्या ये पीपल्स पार्टी? ये तो सबको पता है कि 1967 इफ आई एम नॉट रॉन्ग लाहौर मुबशर हसन के घर पे जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये पार्टी बनाई, पता है। तो जरदारी साहब ने, अब जरदारी साहब ने जब टेक ओवर किया तो क्या वो अच्छे हालात थे? इतने बुरे हालात नहीं थे, इतने बुरे नहीं थे जितने आज जितने उनके बाद हो गए उतने बुरे नहीं थे। उन्होंने किए, मेरी तो इस पे राय है। है क्या है राय आप? मैं तो कह रहा हूँ ना कि मेरी राय में, आपके राय में वो करप्ट है और आपकी राय में उन्होंने तबाह किया। मैं कह रहा हूँ मेरी राय में बेनजीर साहबा की नजरिए को लेकर आगे नहीं चल रहे। आपकी राय में फाइनेंशियली करप्ट है या नहीं आप बताइए? बिलावल भी नहीं लेके चल रहा। बिलावल के बारे में मेरी मुख्तलिफ राय है साजिद, आप अपना इंटरव्यू भाई, अपना बताओ। भाई बिलावल चला रहे, हैरत हो रही है, बिलावल चला रहे हैं पार्टी। मैंने बिलावल के कहने पे किया है, आप मैंने जरदारी साहब से एक दफा मुलाकात की तो सवाल मुझे बिलावल जरदारी भुट्टो साहब ने कहा कि आप आए, उन्होंने इज्जत दी, सही है। मैंने मना किया उनको, मैंने कहा आपके पास बेतहाशा लोग हैं, मैं 2-4 साल रहूं, सही है। उन्होंने इज्जत दी तो मैं इस इज्जत को गलत कैसे कह दूं यार, दी गई इज्जत। लेकिन आप इस बारे में अपनी राय का इजहार करना नहीं चाहते कि वो करप्ट है? मेरी राय एक पर्सनल हैसियत से कोई मायने नहीं रखती। अरे
पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में नेशनल असेंबली की सीट्स के लिए सिर्फ 21 लोगों को चुना. साजिद हसन उन 21 में से एक है. वो कह रहा है मेरी राय हैसियत ही रखती. ऑफ कोर्स रखती है. नहीं, मैं उस जीत जाता तो शायद रखती. अच्छा, हारे हुए की राय को अहमियत नहीं दी. इस मुल्क में तो जीतों का कोई हाल नहीं है. तू बातें कर रहा है. जीते जो मेरी एक गुजारिश सुन ले. जितने जूते यार एक मिनट में मुझे तू कह लीजिए जूते बच्चे देख रहे हैं पूरा मैसेज ना जैसे फिर वो तो बच्चे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ना. चलो आप ब्रेक ले लेता हूं. मैं ब्रेक लेता हूं ताकि आप उसे तू तरह करके आराम से बात कर सके. देखिए टेलीविजन की तरह बेचारों की जबान में जरा एक राय सुन रहे हैं उनकी और आप समझ भी रहे हैं. समझ रहे ना. एक ब्रेक ये तूने अपनी बीवी से बात. आप देख रहे हैं कोका कोला हल्लमा पुरजोश. आप देख रहे हैं साजिद हसन साहब को और हमारा राउंड है यॉकर. सर मैं कुछ नाम लेता हूं आपके जहन में जो पहला लफ्ज है काबिल नशर भी हो जो क्या हो गया. अच्छा, ऐसे ही तरह शरारत. बदनाम तो वैसे भी हूं ऐसे भी सही. तू कर ले बदनाम मुझे खुशी होगी. आइए और भी कुछ दो चार इल्जाम लगा दे पहले. नहीं नहीं सर मैं क्या इल्जाम लगाऊंगा आप पे. उस्ताद तलत हुसैन. उस्ताद भाई. भाई मरीना खान. फैमिली एंजेलिना जोली. दोस्त. पाकिस्तानी ड्रामे. अल्लाह खैर करेगा. पाकिस्तानी फिल्में अच्छी होती जा रही. पाकिस्तानी मॉर्निंग शोज. मैं नहीं देखता. कभी मेकअप के बगैर देखना चाहता हूं मैं. फवाद चौधरी. उसको खुद नहीं पता होता वो क्या कह रहा है. मगर कमाल आदमी है. एक मिनट, कुछ चीजें मैं उसकी इंतहाई पसंद करता हूं. इसीलिए इमरान खान ने साइडलाइन कर दिया उसको. ज्यादा बोलने वाले को पसंद नहीं करता खान. हाँ बोल आगे चल. आसिफ अली जरदारी. यार अब मुझे रहम बीमार. I mean, I think he's very sick. अल्लाह ताला सेहत से कामिल आता है. अल्लाह का अल्लाह सेहत दे सबको सेहत दे. बिलावल भुट्टो साहब. Absolutely dynamic, beautiful, modern, progressive mind. मरियम नवाज साहब. क्या मोहम्मद नवाज शरीफ. जीरक. इमरान खान. नादान दोस्त. कायम अली शाह. कौन थे. अच्छे आदमी. अच्छे आदमी यार शाह जी. अच्छे आदमी. अच्छे सीएम. ये मैं नहीं जाना गया. मुराद अली शाह. देखिए आपके सिस्टम में एक दूसरे को कोई काम करने नहीं देता. एमक्यूएम पीपल्स पार्टी दूसरे को काम नहीं कभी करने दिया. ये तो मैं अभी थोड़ा सा हिस्सा बन गया हूं तो हिस्ट्री नहीं बदल सकती. आपका सिस्टम ऐसा है कि एक पार्टी दूसरी को अलाउ नहीं करती काम करना. इस वजह से काम नहीं होता. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ये वजह है. इसमें बड़ी I have a different opinion on this, but चले. आपके opinion सर बता देना. किताब लिख लें ताकि उसको पढ़ के आएगा. अभी आप से बात कर रहे हैं. opinion मैं बताऊंगा आपसे. तू सर आपकी राय का तो इसलिए मैं अपनी राय मैं अपने आप को महफूज रखने के लिए अपनी राय को भी महफूज रख रहा हूँ. आपकी राय का मैं बड़ा कदरदान हूँ सर. हाँ या ना मैं अगर जवाब देना. पहला सवाल पीपल्स पार्टी और करप्शन. नो वे. हाँ या ना. नहीं होगी 100% करप्शन. ऐसा हो ही नहीं सकता. और होगा. अच्छा और उनको पकड़ो ना. सही. जरदारी नवाज भाई भाई. हाँ या ना. मेरा नहीं ख्याल. उनके नजरिए बिल्कुल अलग अलग है और ये आगे जाके फिर टकराएंगे. बिलावल मरियम बहन भाई. टकराएंगे. बहुत अलग अलग लोग हैं. फिल इन द ब्लैंक साजिद भाई. जाते जाते बस डैश. बहुत बासलाहियत है लेकिन उसे सही चांस नहीं मिला. पूरे पाकिस्तान के लोगों के बारे में ये कहना चाहता हूं मैं. अपनी इंडस्ट्री अपने हम असर लोगों में से किसी के बारे में कहेंगे. नहीं सबको जो यार अंडररेटेड है. बहुत टैलेंटेड है. हमें मौका नहीं मिला. सभी अंडररेटेड है. सभी बुरे हालात में काम कर रहे हैं. सभी के हालात खराब हैं. पाकिस्तान में एक दूसरे को प्यार करना सीख जाएंगे तो बदल जाएंगे सब कुछ. ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप किसी के नाम देना चाहें डैश इतना बासलाहियत नहीं है या इतनी बासलाहियत नहीं है लेकिन लक है बस. मोदी.
मोदी साहब। अच्छा ठीक है, ओके जनाब, आप कहोगे पसंदीदा शेर जाते जाते, यही जाना हाँ कि कुछ न जाना हाय हाय सो भी उम्र में हुआ मालूम। मैं भी अपना शेर सुनाओ जाते जाते पसंदीदा प्लीज। ये जो हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगु क्या है। हमारे कल के मेहमान हैं डॉक्टर साहब शान रमजान के अहमद शाह साहब। साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदगी रहे, सेज रहे, आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।